हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी स्ट्रेसफुल किचन। आज हम एक और तरह के राजमा लेकर आए हैं जो राजमा मैं घर में बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको इसमें खड़े मसाले को इसके अंदर बंद कर लिया। या तो आप पोटली में बंद करते हैं या आप ऐसे रखते हैं तो आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ली है 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 2-3 लौंग और 1 बड़ी इलायची। तो इसका अच्छे से सत जो है वो इसमें निकल गया है। इसमें 1 तेज पत्ता लिया था हमने, उसको भी हमने निकाल दिया है। और 2 विसल हमने आने दी। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल भी डाला है। और 2 विसल आने के बाद ये देखिए, हमारा जो राजमा है वो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट गल गया है। देख रहे हैं ना, 2 विसल आने के बाद हमने जो प्रेशर है वो अपने आप ठंडा होने दिया। उसके बाद हमने कुकर को खोला और अभी कुकर ठंडा है क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने आपको राजमा कैसे बॉईल करना है वो बता दिया है, पहले बता दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी। पानी अच्छे से हमें रखना है इसमें। और दूसरी बात ये है कि 1 चम्मच ऑयल डालने से जो राजमा है वो मैशअप नहीं होता है। तो ये राजमा अच्छे से गल जाए अपने कुकर के हिसाब से आप उसको लगाइए। तो आइए अब हम इसका छौंक तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है, उसमें डाल दिया है हमने 1 चम्मच जीरा। उसके साथ मैंने, देखिए आप, ये प्याज काट के रखी है, 2 बड़ी प्याज को काट लिया है। 5 लहसुन की कलियां मोटे वाली हमने वो काट दी हैं, बारीक काट दी हैं। 1 हरी मिर्च को बारीक काट दिया है। इसको हम अच्छे से इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। तो आप राजमा जो है, मैंने 250 ग्राम लिया है, थोड़ा इसमें डालेंगे हींग 2 पिंच, और लहसुन जो है वो प्याज के साथ भी हल्का हल्का पकता है तो इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे। अदरक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, अदरक मैं टोमेटो के साथ डालूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स मैं लिख देती हूँ तो आप जरूर वहां जाकर चेक कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ऐसा ना हो कुछ आपका स्किप हो जाए और आपकी रेसिपी अच्छी ना बने। तो ये राजमा है जो मैं घर में बनाती हूँ। हमारा प्याज भून रहा है, उस बीच हमने ये 3 बड़े टमाटर को पीस लिया है। इसी के अंदर हम ये कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और जब प्याज भून जाएगा तो इसको हम उसके अंदर डाल देंगे, तड़के के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है, जलाना नहीं है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही ये टेस्टी लगने वाला है। अब हमने क्या किया है, एक पतीला नीचे ले लिया है, उसमें हमने ये छाननी रख ली है। इसके अंदर हम इनको, राजमा को छान लेंगे। ये एक ट्रिक है टेस्टी राजमा बनाने के लिए। पानी हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम ये राजमा यूज करेंगे। देख रहे हैं ना, प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसके बीच में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कलर के लिए हम ज्यादा डालेंगे यहाँ पर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक जो है हमने राजमा बॉईल करते हुए भी डाला है तो बहुत ध्यान से आप यूज कीजिएगा। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। गैस को बिल्कुल धीमा रखना है यहाँ पर ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और ये अच्छे से कलर दें। 1 मिनट में ही मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें अदरक और ये टमाटर, पिसा हुआ टमाटर, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। आपका हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं ये वीडियोस इसी तरह से आपके पास लेकर आती रहूं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमें टमाटर जो है भूनना है, इसमें 5 से 7 मिनट हमें लगने वाले हैं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से भून गया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सूख गया है इसका टमाटर का पानी। अब हम इसमें डालेंगे ये राजमा।
और इसकी अब हम भुनाई करने वाले हैं। थोड़ा सा राजमा मैंने मैश कर लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक बने। और इनको हम अब अच्छे से भूनने वाले हैं। इससे टेस्ट आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त आता है। 2 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे चारों तरफ से मिक्स करते हुए। देखिए इस तरह से हमें भूनना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट मैं और इसको भूनूंगी। इससे क्या है, ये पूरा मसाला जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ऐसे फ्राई होके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये ट्रिक है मेरी जिसके साथ मैं हमेशा राजमा बनाती हूँ। तो अब अच्छे से भुन गया है और अब हमने जो इसमें पानी बचाया हुआ था ना, जो स्ट्रेन किया था, उसको आपको फेंकना नहीं है। वो पानी अब हम इसमें डाल देंगे और मैं इसको सारे को मिक्स करके ना कुकर में डाल के एक विसल लगाऊंगी। अब देखिए कितना सुंदर इसका कलर है, कितना बढ़िया है। अगर आप इसमें मतलब गाढ़ा रखना है तो ऐसा ही रखिए, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डाल के और एक विसल लगा दीजिए। तो अब हम एक विसल लगाने वाले हैं और गरम मसाला तो हम डालना भूल गए, लास्ट में ही डालना है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला इसको करेंगे मिक्स अच्छे से और कुकर करेंगे बंद। बहुत यमी लगने वाले हैं। तो कुकर चेक कर लेते हैं एक विसल आने के बाद। और ये देखिए हमारे यमी से राजमा बनकर तैयार हैं। क्या परफेक्ट राजमा बने हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट गले हुए और अच्छा कलर आया है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए इसमें मिलाएंगे हम 1/2 चम्मच ऊपर से घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आपको अच्छा लगता है तो मिलाइए, अदरवाइज इसका जो टेस्ट है वो बहुत परफेक्ट आता है, बहुत अच्छा आता है, शाइन आ जाती है। और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारा यमी सा राजमा तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।